भाई, बीवी और दूसरा भाई, इनमें अगर दोनों तीनों में मैच्योरिटी हो तो आप क्या ज्वाइंट प्रथा को चला सकते हैं। अगर हम अलग अलग शादी करते हैं ना जी, तो हमारे फिर बच्चे भी अलग अलग हो रहे हैं, फिर हमारे खेत भी बढ़ जाते हैं। हमारे पास एक दो बीघा ज़मीन होती है, उतनी भी नहीं होती पर एक दो बीघा मान के चलो। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिलाई तहसील के गांव कुसेड़ों को दूर से देखकर लगता है कि ये कोई तीर्थ स्थल है। यहां हाटी आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। हम उनकी सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था और जीविका के साधनों को समझने के सिलसिले में उनके गाँव में घूम रहे हैं। आज हम उनकी सामाजिक व्यवस्था के एक अहम पहलू को समझने की कोशिश में इस गांव में पहुंचे हैं। इस समाज में प्रचलित एक प्रथा है जो इनके परिवार की बनावट से जुड़ी है। परिवार की बनावट के साथ साथ ये उनके जीवन की आर्थिक गतिविधियों या जीविका से भी वास्ता रखती है। शाम ढले जब हम इस गांव पहुंचे तो परंपरागत गीत संगीत से हमारा स्वागत हुआ। लोगों ने हिमाचल में जोड़ीदारी प्रथा के बारे में सुना है। कई लोग इसे द्रौपदी प्रथा भी कहते हैं। इस प्रथा के मुताबिक एक औरत की शादी एक घर के एक से ज्यादा भाइयों के साथ होती है। अब 21वीं सदी में ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर हाटी समाज में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। ये प्रथा क्यों शुरू हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है, आज हम जानेंगे हाटी समाज के लोगों से। माँ हर वक्त पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पता है, बच्चों के लिए। बना दी रोटी बस लगे बकरी तो मैं
ज्योति इस घर की नई बहू है। घर का काम करते हुए भी उनके नए कपड़ों से इस बात का अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं होती है। विक्रम के बड़े भाई से ज्योति की शादी हुई है। उनके बड़े भाई रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में विक्रम ज्योति का पूरा ख्याल रखते हैं। शायद उनके बड़े भाई ज्योति का इतना ख्याल नहीं रख पाते जितना विक्रम रखते हैं। विक्रम ज्योति को बहुत प्यार करते हैं और ज्योति भी विक्रम पर जान छिड़कती है। ये प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसा विक्रम के भाई और ज्योति का है। जी हाँ, आप सही सुन और समझ रहे हैं। ज्योति के लिए विक्रम की जगह वही है जो विक्रम के बड़े भाई की है। ज्योति शर्मा ने विक्रम और उनके बड़े भाई दोनों से ही शादी की है। दोनों ही उसके पति हैं, जोड़ीदार। अच्छा होता है मतलब दो के साथ रहना। मैम कुछ भी बात हो सकती है तो मतलब एक पति के साथ, मतलब अगर एक होता है तो एक के साथ कुछ भी बात हो सकती है, तो इसलिए दो होना जरूरी है क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, एक समय का कुछ पता नहीं चलता। हिमाचल प्रदेश के गिरिपार के इलाके में रहने वाले हाटी समुदाय में ये प्रथा न जाने कितनी पीढ़ी से चलती आ रही है। आमतौर पर ये शादियां परिवार ही तय करता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि शादी से पहले लड़की की रजामंदी जरूरी ली जाती है। इस इलाके में यानी गिरिपार में हाटी समुदाय के लोग इस प्रथा को जोड़ीदार प्रथा कहते हैं। अब समाज में ये प्रथा थोड़ी ढीली पड़ रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि ये खत्म हो रही है। गिरिपार के इलाके में खास तौर पे उत्तराखंड के जौनसार बावर से सटे गांवों में तो आपको एक ही गांव में कई कई जोड़ीदारी मिल जाती है। जो मेरी मम्मी है वो भी जोड़ीदार वाले हैं, चाची जी है, उनके भी दो हस्बैंड हैं, वो भी जोड़ीदार में हैं। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश की जोड़ीदारी द्रौपदी या बहुपति प्रथा में दो या अधिक भाइयों की एक ही पत्नी होती है। फिर इन भाइयों और पत्नी के बीच कैसे तालमेल बैठता है, इस तरह की व्यवस्था से परिवार में तनाव से कैसे बचा जा सकता है, आधुनिक कहे जाने वाले समाज के मूल्यों में यकीन रखने वाले लोगों के मन में ये सवाल आना लाजमी है। लेकिन हाटी समुदाय में शायद ही कभी ऐसा मामला मिलता है जहां पत्नी पर अधिकार की वजह से झगड़ा होता है। जो जोड़ीदार प्रथा है मैम, वो सबसे पहले ये कि आपस में भाई में संतुष्टि होनी चाहिए दोनों भाई में, और मैच्योरिटी होनी चाहिए कि एक दूसरे की समझ, भाई बीवी और दूसरा भाई, इनमें अगर दोनों तीनों में मैच्योरिटी हो तो आप ज्वाइंट प्रथा को चला सकते हैं। हाटी समुदाय को अब सरकार ने अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का फैसला कर लिया है। इस समुदाय के अपने देवी देवता और धार्मिक आस्थाएं हैं। भारत में जनजातियों को अपनी परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था के पालन का अधिकार दिया गया है, लेकिन हाटी समुदाय के लगभग सभी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके शादी ब्याह या तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही तय होते हैं। फिर हाटी समुदाय में एक पत्नी से शादी करने वाले भाइयों की शादी को कानूनी कैसे माना जा सकता है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल है कि वारिस या वसीयत के मामले कैसे तय होते होंगे। आजकल सबको पता है, हम चाहे गांव में जॉइंट प्रथा करें, जो मर्जी करें, कानून तो सबके लिए एक है। बीवी भी एक के नाम पे लगेगी, बच्चे भी एक के नाम पे लगेगा। हाँ, इतना हो सकता है कि जैसे बोलते हैं हमारे पहाड़ी में कि हिस्सा वो मेरे पति को, जैसे मैं इसके, हम इनके दो पति है तो इसका जाना चाहिए, जो हम इसके बच्चे हो गए उसका बाग, हमारा बाग उसको जाना चाहिए बच्चे के लिए, तो हम गोद लेते हैं, गोद लेते हैं। हम ऊपर डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं नान में जाके वहाँ से बच्चे को गोद लेते हैं, फिर तब उसके जो इसका बच्चा होगा उसी के नाम पे अपना हिस्सा चला जाए।
हिमाचल प्रदेश के गिरिपार के अलावा ये प्रथा यहाँ के किन्नौर के इलाके और उत्तराखंड के जौनसार बावर में भी मिलती है। ये प्रथा क्यों शुरू हुई होगी, इस बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं। मसलन ये भी कहा जाता है कि ये दुर्गम इलाका था और यहाँ पर आदमी की मृत्यु का खतरा बना रहता था, इसलिए यहाँ औरतों को विधवा होने से बचाने के लिए एक से ज्यादा मर्दों से उसकी शादी होती थी। ये तर्क बहुत मजबूत नहीं लगता है। एक और तर्क है जो इस प्रथा को इस समाज की जरूरत बताता है। यह तर्क मजबूत लगता है। इस तर्क के अनुसार यहाँ पर परिवार अपनी जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए एक ही लड़की से परिवार के सभी लड़कों की शादी कर देते हैं। क्योंकि हमारे समाज में जैसे कि बोलते हैं कि अगर एक भाई को कुछ हो गया तो दूसरा भाई अपनी पत्नी को वितरण करता है, शोषण पालन करता है, पूरा देता है। क्योंकि आज के समाज में अधिकतर लड़कियां विधवा रह जाती हैं, क्योंकि एक पति से ऐसा हो जाता है कि एक पति मर गया तो उस औरत का क्या होगा, वो औरत कहीं की लायक नहीं होती, फिर घर में धक्के खाने। इससे अच्छा कि हमारे समाज में ये चला हुआ कि ये क्या बोलते हैं जॉइंट का जो प्रथा है ना, वो अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी लड़की किसी भी लड़की का घर बर्बाद नहीं होता। अगर बुरा माने तो जमीन इतनी इतनी मिलनी हमको, अगर बुरा माने तो थोड़े थोड़ी टुकड़ी मिलनी, तो कैसे परिवार पालने, हमने किस तरह पालेंगे। जोड़ीदारी प्रथा या द्रौपदी प्रथा सिर्फ हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में ही नहीं मिलती है। तमिलनाडु के टोडा समुदाय में भी एक औरत एक से ज्यादा पार्टनर रख सकती है। हालांकि वहां की प्रथा में हाटी इलाके की प्रथा से कुछ भिन्नता भी मिलती है। इसके अलावा केरल के नायर समुदाय में भी कभी इस तरह की प्रथा थी, ऐसा बताया जाता है। जोड़ीदारी प्रथा हाटी समाज में कई पीढ़ी से चली आ रही है। तब इनके खेत छोटे छोटे थे, ये खेत ना बढ़ जाए इसीलिए प्रथा की जरूरत भी थी। पर आज समय बदला है, हाटी समाज की युवा पीढ़ी आज पढ़ाई लिखाई भी कर रही है और बाहर कई लोग नौकरी करने भी जाते हैं। ये युवा पीढ़ी क्या समझती है इस प्रथा को लेके, यही समझने की कोशिश हम करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हाटी इलाके में या फिर उन सभी इलाकों में जहां जोड़ीदारी प्रथा का पालन किया जाता था, क्या वहां आज भी ये प्रथा बिल्कुल पुराने रूप में कायम है? शायद पूरी तरह से नहीं। अब ये प्रथा कम परिवारों में अपनाई जा रही है, लेकिन फिर भी ये प्रथा जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं लगता है। वक्त के साथ समाज में कई तरह के बदलाव आए हैं और अब गिरिपार के लोगों को रोजगार की तलाश में इस इलाके से बाहर निकलना पड़ता है। इस इलाके में भी हमने देश के कई आदिवासी इलाकों की तरह ही एक सर्कुलर माइग्रेशन देखा है। गिरिपार के एक और गांव फिरोग में दिलीप, आशा और मनोज भी जोड़ीदारी के रिश्ते में हैं। 2005 में इन तीनों की शादी हुई थी। ये शादी कम और एक तरह का एग्रीमेंट ज्यादा नजर आता है। एक भाई घर में रहता है, एक भाई बाहर मजदूरी करने जाता है। जो घर में रहता है वो गाय पालन पोषण करता है और जो घर की जिम्मेवारी करता है और खेतीबाड़ी, जो थोड़ा खेतीबाड़ी में जो मक्की गेहूं बेचते हैं उसकी बिजाई करते हैं, और बाकी जो बाहर, एक भाई बाहर जाता है दिहाड़ी में, उसी तरह खर्चा वर्चा चल पड़ता है। कई बार ऐसा भी लगा कि ये प्रथा अब उन्हीं परिवारों तक सीमित हो रही है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उन परिवारों के लिए जमीन को बटने से बचाना आज भी प्राथमिकता हो सकती है। हालांकि हम यह बात बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। अगर हम अलग अलग शादी करते हैं ना जी, तो हमारे फिर बच्चे भी अलग अलग हो रहे हैं, फिर हमारे खेत भी बढ़ जाते हैं। हमारे पास एक एक दो दो बीघा जमीन होती है, उतनी भी नहीं होती पर एक एक दो दो बीघा मान के चलो, तो हमारे बट जाते हैं खेत। तो हमारे पास जो फिर कुछ नहीं रहता खेती में काम करने के लिए, ना जमीन है ना कुछ नहीं रहता, फिर जो है दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। इसलिए जो हमारा ये जॉइंट फैमिली जो है दो तीन पीढ़ियों से चली आ रही है और अब भी चल रही है। हाटी समुदाय की नई पीढ़ी में जोड़ीदारी प्रथा के बारे में कोई बहस या विवाद नजर नहीं आता है। इस प्रथा को वो अपने समुदाय की परंपरा और प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखते हैं।
अब समय बदल गया है और समुदाय को ये प्रथा छोड़ देनी चाहिए जैसे सवाल इस समुदाय के लड़कों को बहुत पसंद नहीं आते हैं। हाँ, जैसे हमारी पहले से चली हुई जी, हमारे बुजुर्गों की जो पहले से हमारी जो चली हुई हमारी संस्कृति है, उस आधार पे हम चल रहे हैं। तो जो हमारी पुरानी ये संस्था है, मतलब संस्कृति, जो हमारा कार्यक्रम है, तो हमें इसे बुला भी नहीं सकते। और जो हमारे पुराने कार्यक्रम है, हम इन्हें आज भी मनाते हैं और मनाते रहेंगे। अलबत्ता इस समुदाय की लड़कियां अब शादी ब्याह के मामले में लड़की को चॉइस देने की बात करने लगी हैं। शायद यही सबसे अहम बात भी है। लड़कियों से लंबी बातचीत में ये बात निकलती है, लेकिन उसके लिए आपको काफी धैर्य से उससे बातचीत करनी पड़ती है। इस बातचीत से यह भी एहसास होता है कि वे चॉइस की बात तो कर रही हैं, लेकिन जोड़ीदारी प्रथा को गलत मानती हैं ऐसा भी नहीं है। वे शायद वक्त के साथ बदलना चाहती हैं, लेकिन समाज में किसी तरह की खलबली भी पैदा नहीं करना चाहती हैं। अगर अब तो मैम ऐसा है कि अगर जैसे लड़की को सही रहेगा वैसे करेगी अपनी चॉइस से। तुम क्या करो? अगर मेरे को एक पसंद है तो मैं उसी के साथ रह लूंगी। एक से? हाँ जी। हाटी समुदाय भी शायद वक्त के साथ ये मानने लगा है कि इस प्रथा को धीरे धीरे कम होते हुए खत्म हो जाना है, इसलिए समुदाय अपने लड़के लड़कियों का दम घोटने के अंदाज में बात नहीं करता है। लेकिन इतना जरूर मानता है कि यह समुदाय की एक प्रथा थी और इस पर अगर गर्व नहीं किया जा सकता तो समाज के नौजवानों को शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है।